हेलो माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो मैंने कुछ दिनों पहले एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा कि कौन सा टॉपिक बेस्ट रहेगा। तब आप लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड किया कि यार UMP ऑटो हेडशॉट पे वीडियो बनाओ लाइक वाइट एफएफ की तरह। तो चलो सबसे पहले तो यार वाइट एफएफ का वो वाला वीडियो देख लेते, उसके बाद हम लोग ट्यूटोरियल की तरफ चलेंगे। बाय द वे यार, इस ट्रिक को यूज करने के बाद यार आप लोगों का भी हेडशॉट लाइक हैकर की तरह लगेगा यार, मतलब एमबॉट की तरह। अभी आप लोग देखो यार, ओनली रेड नंबर इसमें आप लोगों को दिखने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे वाइट एफएफ का ट्यूटोरियल देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट मतलब एम कर रहा है। एम करने के बाद जब इसका एम एनिमी पे चला जाता है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को स्वाइप अप करना है, यानी कि आपका स्क्रीन ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, नॉर्मल ड्रैग करना है, फायर वायर कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट फायर बटन से आप लोगों को फायर करना है, तब ये ट्रिक आप लोगों का वर्क करेगा। मैंने भी इस ट्रिक का यूज करके एक क्लिप निकाला है, आप लोग वो क्लिप को देखो, उसके बाद इंट्रो के बाद वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने बैक टू बैक 3 हेडशॉट लगाया, वो भी एकदम रेड नंबर और इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए। तो अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इस ट्रिक को कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज पे रखना है, ओके, मतलब कि हमेशा लेफ्ट फायर बटन ऑन रहना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोगों को कस्टम HUD में आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को इसमें राइट वाला जो फायर बटन है उसका कोई काम नहीं। भाई मैंने दोनों को लेफ्ट साइड रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैं फ्लाइट GQ1 का यूज़ कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे फिर भी आप लोगों को लेफ्ट फायर बटन ही यूज़ करना है। अब यहाँ पे की मैप कौन सा वहाँ पे रखोगे, तो इसके लिए आप लोगों को सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे 1 के लिए अभी मैं डबल स्नाइपिंग के लिए मैक्रो यूज़ करता था, बट यहाँ पे मैं इसको अभी डिलीट करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को जैसा लगता है कि एकदम इजी की मैप अगर देखा जाए तो 1 ही है लेफ्ट फायर बटन के लिए, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि यार आप लोग भी लेफ्ट फायर बटन के लिए आप लोग 1 का यूज़ करो, ओके। तो यहाँ पे जब आप लोग 1 का यूज़ करोगे यानी कि एकदम ये पास में ही रहता है, इसके लिए आप लोगों का मतलब फायर करने में कोई भी इशू नहीं आएगा। अब यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। इसके लिए आप लोगों को सबसे फर्स्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में चले आना है और यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पे तो यार एक प्रॉब्लम आप लोगों को फेस होगा कि इसमें जो एडम इसमें रहता है तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एम यानी कि प्रिसाइज स्कोप की तरह इसमें काम करता है यार, मतलब स्कोप इन करोगे उसके बाद आपका फुल कंट्रोल हो जाता है यहाँ पे, मतलब नॉर्मल डिफ़ॉल्ट इसमें नहीं रहता। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे फुल कंट्रोल के साथ ही इसमें प्रैक्टिस करना है। आपको यहाँ पे स्कोप करना है, स्कोप करने के बाद एकदम हल्का सा ड्रैग करना है जिससे आपका एम हेड पे जाए और उसके बाद आपको लेफ्ट फायर बटन से फायर करना है। इससे आपका ये होगा कि अगर आपका मतलब है एम में थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे भी होगा तो भी लेफ्ट फायर बटन की फायर की वजह से आपका वो डायरेक्ट हेड पे एम बॉट की तरह लगेगा, ओके। तो आप लोग ये ट्रिक यूज़ करके ज़रूर देखना और ये ट्रिक आप लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में तो इसमें नहीं होगा, मतलब अभी जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपका फुल कंट्रोल के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा और अगर आप लोग यहाँ पे हार्ड प्रैक्टिस कर लेते हो उसके बाद आप लोग डायरेक्ट ग्राउंड में जाओ और वहाँ पे आप लोग इस ट्रिक का यूज़ करो यार, नेक्स्ट लेवल का हेडशॉट आप लोगों का भी लगने वाला है। और ये मैं आप अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि यार मैं डायरेक्ट वीडियो को रिकॉर्ड करने आया उसी टाइम में बस इतना ही प्रैक्टिस के साथ मेरा इतना बेस्ट हेडशॉट लगने लगा, फिर आप लोग यकीन नहीं करोगे मैं डायरेक्ट अभी वीडियो रिकॉर्डिंग करने आया था और यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग लेवल का हेड लगने लगा। बहुत ईजी ट्रिक है, आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल बनने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ऐसी वीडियोज हमेशा पाने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन से ट्यूटोरियल पर चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ में यार GTA 5 पर आप लोग ज़्यादा मतलब सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो यार, क्या कर रहे हो, फ्री फायर के साथ साथ GTA 5 भी रहना ज़रूरी है। तो आप लोग मतलब GTA 5 का भी गेम प्ले देखा करो। तो मिलते जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए।